वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी लखन। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त लखन परमार। दोस्तों, आज बनाइए अपन मक्खन बड़ा। मक्खन बड़ा भी दोस्तों एक तरह की मिठाई होती है, और इसको देसी घी में बनाया जाए तो अच्छी अच्छी मिठाइयों को फेल कर देती है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए दोस्तों हमने लिया है 500 ग्राम मैदा। इस प्रकार का मैदा है बारीक, और तकरीबन 100 ग्राम अपन लिया दही, और 100 ग्राम मक्खन, क्योंकि मक्खन बड़ा है तो मक्खन डालना है, तभी तो मज़ा आएगा। और चाशनी के लिए लिए 500 ग्राम शक्कर। शक्कर भी उतनी साफ़ वाली है, एकदम साफ़ सुथरी, ताकि किसी प्रकार कोई मेल या गंदगी नहीं निकले चाशनी में। और गार्निशिंग के लिए हमने पिस्ता लिए हैं, और आधी चम्मच हमने दोस्तों बेकिंग पाउडर लिया है। तो दोस्तों करते हैं शुरू स्टार्ट। दोस्तों, मैदे के अंदर अपन जो अपना दही है, दही मिलाएंगे, दही और मक्खन मिलाएंगे अच्छी तरह से। दही दही मक्खन बड़ा, और दही इसको सॉफ्ट कर देता है मक्खन बड़े को। पानी अभी नहीं डालना है दोस्तों, हमको अच्छा डो तैयार करना है। लगभग अपना डो आधा से ज़्यादा तो इसमें तैयार हो जाएगा मक्खन और दही से। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, सारा एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना है और मिलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है इस प्रकार से। और लगभग अपना डो बन के तैयार है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। थोड़ी देर सेट होने के लिए रखेंगे जब तक अपन चाशनी तैयार कर लेते हैं दोस्तों। चाशनी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले गैस चालू कर लेंगे, और इस पर ये हमने तपेली ले ली दोस्तों। इसमें शुगर जो 500 ग्राम लिया है वो डालेंगे, और दोस्तों करीबन इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। पानी दोस्तों उतना ही डालना है जिसमें शक्कर अपनी इसमें डूब जाए, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, नहीं तो उसको ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा फिर। और चाशनी हमको एक शहद की तरह लेना है, ना कि एक तार की, शहद की तरह लेनी है अपन चाशनी बनानी है, ठीक है दोस्तों। अब गैस को चाल अपन बढ़ा देंगे, और चाशनी 10 से 15 मिनट लगेंगे दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं शुगर इसमें पूरी तरह से घुल गई है अपनी शक्कर, उसको अभी अपन पकाएंगे, शहद की तरह गाढ़ी बनाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी चाशनी अच्छी तरह से उबल रही है। दोस्तों चाशनी अच्छी पक जाती है ना तो टेस्ट भी अच्छा लगता है। ये हम चाशनी को थोड़ी सी देर 2 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें चिकनाहट भी आ गई और चिपचिपापन भी आ रहा है, हल्का सा गाढ़ापन और चाहिए अपन को, ताकि जब इसमें मक्खन बड़ा अपन डालें तो गले ना, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए। उसके हिसाब से अभी चाशनी अपन को थोड़ी सी और ठीक चाहिए, है ना। प्लीज़ इसको 2 मिनट और पकाइए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी बन के एकदम रेडी है। इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये चिकनापन और गाढ़ापन इससे ही है। देखने से अपन को जो चाहिए थी वो मिल गई है, और अपनी चाशनी बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, चमचे से गिर रही है तो आपको लग रहा है कि गाढ़ापन है, बस यही चाहिए अपन दोस्तों, ठीक है। अभी अपनी चाशनी को अपन एक तरफ रख देंगे,
और जो अपने डो बनाया है मक्खन बढ़ेगा उसको देखते हैं क्या कंडीशन है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अपना डो एकदम रेडी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है ये। अब इसी इसी के दोस्तों अपन मक्खन बड़े की साइज़ के डो के गोले बना लेंगे दोस्तों, एक एक करके। मेरे पास नापने के लिए छोटी सी कटोरी है, इससे अपन नाप सकते हैं ताकि एक जैसे बने। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये देखो, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट अपना बनेगा। अब इसको इस तरह से निकाल लीजिए दोस्तों, ये देखिए, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें। देख सकते दोस्तों, ये अपनी लोई तैयार हो गई। इसमें जो आपको ये दिख रहे हैं, इसमें जो क्रैक दिख रहे हैं, ये क्रैक भी होना ही चाहिए था दोस्तों। अभी जब तलेंगे उस समय इसी के थ्रू, इसमें जब चाशनी में अपन डालेंगे तल के, तो इसी के थ्रू इसमें चाशनी अंदर तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये देखिए दोस्तों, मक्खन में मीडियम क्लास की साइज है, इस टाइप से बना लेंगे अपन सारे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने सारे मक्खन बड़े के डो के बना लिए अपन ने। अब इनको अपन देसी शुद्ध घी में तलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप, बिल्कुल फर्स्ट क्लास इनमें जो एयर के लिए, उसके हिसाब से अपन इनको परफेक्ट बना लिए हैं। ये देखिए, और साइज़ भी लगभग एक जैसी है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस छोटी कटोरी से मैंने नपती कर करके वो तो बनाया है एक एक करके। तो दोस्तों अब हम घी गरम करेंगे ना, कढ़ाई में डाल। दोस्तों देख सकते हैं आप, देसी घी में अपन इसको तलेंगे मक्खन बड़े को। तकरीबन अपन ने इसमें 600 ग्राम या 700 ग्राम के लगभग अपन ने घी लिया है। इसमें मक्खन बड़े सारे इसके अंदर चले जाएंगे, अपन चार चार पांच पांच करके तल लेंगे परफेक्ट कलर लाने के लिए। ठीक है घी दोस्तों, को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मीडियम आंच पे लाएंगे। हल्का सा गर्म होने पे इसमें मक्खन बड़ा डालेंगे, कर लेंगे उसमें डालेंगे तो मक्खन बड़ा टूट सकता है, इसलिए हम मीडियम आंच पे तकरीबन हमारे 500 ग्राम मैदे में तकरीबन 10 से 11 मक्खन बड़े बने हैं। तो अपन इसको एक बार में 5 और एक बार में 6, दो बेच में अपन इसको तल लेंगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों, हमारे घी में हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, मतलब घी हल्का सा गर्म हो गया। अब इसमें एक एक करके अपन 6 मक्खन बड़े डालेंगे। अभी अपन ने 6 डाले हैं, जो बचे हुए अपने 5 है वो दूसरे बेच में तैयार करेंगे। मीडियम आंच पे पकाएंगे दोस्तों। दोस्तों देख लीजिए आप, में हल्के से बबल आ रहे हैं, तो हल्के से अपन अल्टी पल्टी मारेंगे ये इस प्रकार से। एक एक करके पलटी मारेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर परफेक्ट अगर पकेंगे हैं तभी इनके अंदर बराबर चाशनी अंदर जाएगी और ये अच्छी से अच्छी मिठाई को टक्कर दे सकते हैं। मक्खन बढ़ेगा, टेस्ट ही इतना बेहतरीन रहता है। इसको अभी कम चाल पर पकने देंगे दोस्तों, हल्के हल्के हाथ से अल्टी पल्टी करते रहेंगे दोस्तों, ताकि ये पूरी तरह से आसपास से बराबर सीख जाए, सभी का एक जैसा कलर हो जाए दोस्तों, गोल्डन ब्राउन, तभी इसको चाशनी में डिप करेंगे दोस्तों। हमारे
जो मक्खन बड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं, तो 1 मिनट के लिए और पकाएंगे और फिर चाशनी में डिप करेंगे। दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए इसी स्टेज पे। दोस्तों हम चाशनी में डिप करेंगे इनको, दोस्तों देख सकते हैं इसको चाशनी में डिप करेंगे अपन। ये देखिए गोल्डन ब्राउन। एकदम खस्ता में चाशनी जाने देते हैं दोस्तों, इसको छेड़ना नहीं है, हुई ऑटोमेटिक इसके अंदर चाशनी चली जाएगी। और दोस्तों अब दूसरा जो बेस है 5 का वो अपन डालेंगे, गैस की चाल कम कर देंगे 0 पे, और जो 5 अपने बचे हुए हैं वो एक एक करके इसमें डालेंगे। दोस्तों खन बड़ा पक चुके हैं, अब इनको हम चाशनी में डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर गैस हम बंद कर देंगे दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जो हमारी तपेली है ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं डिप करूँगा। फाइनली देखिए दोस्तों हमने इसको तपेली की चाशनी वाली तपेली में डाल ली है, अब इनको भी अंदर तक चाशनी में डूब जाए उसके हिसाब से इनको नीचे कर देंगे और जो पहले डाले थे तो वो ऊपर कर देंगे। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये परफेक्ट बिल्कुल ऊपर से एकदम क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन इनमें भी चाशनी चली आएगी, करीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अपन 3 से 4 घंटे के बाद। दोस्तों अब ये 4 घंटे बाद हम देख सकते हैं हमारे जो मक्खन बड़े हैं पूरे चाशनी में, बिल्कुल पूरे चाशनी को अंदर से अगर उन्हें सोख कर लिया है। देखिए दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं, अब इनको हम गार्निशिंग करेंगे प्लेट में दोस्तों एक एक करके हैं। दोस्तों हमने इसको देख लीजिए आप, तो हमने प्लेट में इस प्रकार से रख लिया है और कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी दोस्तों रक्षाबंधन पे बनाइए और अपने जो बारीक कटे हुए पिस्ता है वो भी इस पे गार्निशिंग करेंगे दोस्तों, उससे काफ़ी सुंदर लगेंगे ये। और रक्षाबंधन पे दोस्तों आप भी इस प्रकार से बनाइए और एंजॉय कीजिए दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में बगल में जो घंटे का बटन है वो भी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो हमारा आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट भी करिए दोस्तों, और आपके सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वैसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।